कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा सोमवार से बरती जा रही सख्तियों का पालन हो सके इसके लिए प्रशासन और पुलिस ऊपरी क्षेत्र में मुस्तैद हो गई है। रामपुर और आसपास के बाजारों में जाकर व्यापारियों और लोगों को नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सड़कों में भी बेवजह वाहनों की आवाजाही न हो पुलिस प्रशासन ने जाँच शुरू कर दी है। इस दौरान लोगों को सचेत किया जा रहा है कि बेवजह घरों से बाहर न निकले। SDM रामपुर सुरेंद्र मोहन ने बताया कि उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन हो ताकि कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ा जा सके। सुरेंद्र मोहन ने बताया कि वे लोगों को सचेत कर रहे हैं कि बेवजह बाहर ना निकले और ना ही अनावश्यक वाहनों की आवाजाही हो। पिछले कल ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शिमला ने जो आदेश जारी किए हैं जिसमें कि 10 से 1 बजे तक जो आवश्यक वस्तु के विक्रेता है उनको अपनी दुकानें खोलने के ऑर्डर दिए गए हैं, हम उसका कंप्लायंस चेक कर रहे हैं। सत्यनारायण मंदिर ट्रस्ट के महासचिव विनय शर्मा ने बताया, आज से सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक सख्तियां बढ़ाई गई हैं। यह प्रयास लोगों के बचाव के लिए किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं के लिए ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। जो आज से जो सरकार की नई गाइडलाइन जारी हुई है उसके मुताबिक आज कुछ सख्ती की गई है, तो सब लोग उसका बड़े अच्छे से सब लोग पालन कर रहे हैं। और अभी क्योंकि थोड़ा छूट का टाइम है तो लोग अपनी अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए बाहर निकले हैं, लेकिन फिर भी सारे जो नियमों का पालन करते हुए सभी लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं। और ये ज़रूरी भी था आज की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि लगातार जो कोरोना के केसेस अपने क्षेत्र में बढ़ रहे थे तो ये ज़रूरी था कि थोड़ी सख्ती की जाए। तो ऐसा देखते हुए जो सरकार ने कदम लिया उसका सभी लोग बड़े अच्छे से पालन कर रहे हैं। DSP रामपुर चंद्रशेखर ने बताया कि हिमाचल सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। निर्देशों की अनुपालना हो लोगों को भी हिदायत दी जा रही है। उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित की गई है, जगह जगह नाके लगाकर गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है। उनके ऊपर पूरा चेक किया जा रहा है, हम चालान लगा रहे हैं। एंड अगर मैं सब डिविजन रामपुर की बात करूँ तो हमने मेन पॉइंट्स पे नाके भी लगाए हैं और हर चीज़ की वेरिफिकेशन की जा रही है कि लोगों के आने जाने का पर्पज़ क्या है और लोगों को गाड़ियाँ रोक कर उनको उनका पर्पज़ पूछा जा रहा है, उनको अवेयर किया जा रहा है कि आने वाला टाइम जो है बहुत रिस्की हो सकता है।